एक तो ऑब्वियसली हमारे मैंने अगले वेंसडे से, संडे को मेरा जो इंग्लिश का शो है वो तो हो गया ही होगा, लेकिन अब मैं वेंसडे से आर्मिन नवाबी के साथ सेक्युलर जहादिस किया करूंगा। ऑब्वियसली आपको मेरे चैनल पे भी वो नजर आएगा, हरीश सुल्तान अंग्रेजी चैनल पे, तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं। इसमें काफी मजा आएगा, इसमें और तरह की बातें भी होंगी। खूब आर्मिन नवाबी के साथ बहस करने का बड़ा मजा आता, क्योंकि वो, उसको मैं हमेशा क्रॉनिक रैशनलाइजर बोलता हूँ। उसमें तो हर तरह के फटों के ऊपर बात होगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चूंकि पाकिस्तानी हूँ, इसलिए बहुत सारी बातें पाकिस्तान डोमिनेटेड होती हैं और इंडियन डोमिनेटेड होती हैं। आर्मिन नवाबी जो है वो थोड़ा वेस्ट में और ईरान के ऊपर बात करता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली ईरानी है। तो दोनों का जो हमारा काम है वो मिक्स होके तो एक ज्यादा अच्छा शो आएगा, क्योंकि नूरिया भी ऑब्वियसली नूरिया भी पाकिस्तानी इंग्लिश है। खैर उसको पाकिस्तान का इतना पता नहीं है, वो वहां की, इंग्लैंड की बॉर्न रेज है, इसलिए उसको तो खैर जो बातें आती हैं मोस्टली वो मैं ही अपने इधर से जो सुनी सुनाई होती हैं वही बातें मैं उधर अंग्रेजी के शो में ले जाता हूँ। तो हमारा जो शो है वो बड़ा सब कॉन्टिनेंट ओरिएंटेड है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यही है कि उसमें जो ऑडियंस है वो फिर हमारी इंडिया पाकिस्तान की रह जाती है। वैसे मेरी इंग्लिश ऑडियंस जो है वो तकरीबन 40% जो है, आई थिंक 28 पिछले महीने था, 28% इंडिया से थी, लेकिन 40% यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से थी। तो इसको हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी में जाहिर बात है, अंग्रेजी में क्या बात है, अंग्रेजी में तो हमने इन्हीं की बातें बतानी होती है। तो एनीवे, तो इसका एक फन होगा, मजा आएगा आर्मिन के साथ, देखेंगे कितनी देर चलता है ये। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।